आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है खेलने वाली होली, तो आप लोग इंजॉय करें। और मैं भी जा रही हूँ, पहले बनाऊंगी खाना, नहा लिया है क्योंकि नहा के भगवान को जो ठाकुर जी हैं उनका भोग लगाऊंगी, उनसे शुरुआत करूंगी, होली खेलूंगी, उसके बाद हम लोग खेलेंगे। तो बच्चे लोग तो खेल रहे हैं, अभी मैंने चाय पी है सिर्फ, और अब जाऊंगी किचन में बनाऊंगी खाना, उसके बाद होली देखूंगी, खेलूंगी। अभी बजे हैं 10, काम हो गया है पूरा फिनिश, और साड़ी यही पहन ली है कि रहना, पूरा वीडियो देखना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलूँगी किचन में बनाऊँगी जाके खाना। किचन में आ गई थी झाड़ू पोंछा करने के बाद, नहा लिया था क्योंकि भगवान को भी भोग लगाना है, तो इस वजह से नहा लिया था, नहा के और खाना बनाऊंगी। नाश्ता तो नहीं बनाया क्योंकि गुजिया थी तो बच्चों ने खा लिया था थोड़ा बहुत, और अपने होली खेल रहे हैं बच्चे। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो रहा है, जब तक मैं दही का रायता बना लूँगी, बूंदी का रायता। ये आधा किलो था दही, और इसमें डाल दिया है थोड़ा पानी, क्योंकि थोड़ा पानी डाल दूंगी और अच्छे से चला दूंगी, मिक्स कर लूँगी। और मैंने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना और बताना कमेंट करके कैसा लगा। और यहाँ दही ले लिया था, दही अच्छे से चला लिया था, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था क्योंकि गाढ़ा था, तो इस वजह से बूंदी का रायता बना रहे हैं। तो उसमें थोड़ा काला नमक डालूंगी, थोड़ा सफ़ेद नमक, और मैंने तड़का नहीं लगाया था, वैसे हींग जीरा का जो लगाते हैं। तब अब मैंने क्या किया, जीरा को मैंने भून लिया था और सिल पे पीस के डाल दिया था, अच्छा टेस्ट आया था, बहुत अच्छा बना था खाने में। और धनिया और कुछ पुदीना की पत्तियाँ मैंने डाली थी, तो बहुत अच्छा लगा था, टेस्टी बना था। और इधर तेल गर्म हो रहा, थोड़ा धीमी करती है क्योंकि रायता बना लूँगी, उसके बाद पनीर बनाऊँगी, पूरी पूरी है आज खेलने वाली। और बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, रोड पे बहुत शोरगोल था, बहुत ज़्यादा सारे खेल रहे थे, लेकिन शहर में होली दीपावली अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, सभी खेलते हैं। गाँव में इतना नहीं रहा है, गांव में तो मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि गांव में मेरी कभी नहीं हुई, ससुराल में तो कभी नहीं हुई, रक्षाबंधन और होली मेरी कभी ससुराल में नहीं हुई। दीपावली तो मनाई है कई बार, दीप होली और रक्षाबंधन नहीं ससुराल में एक भी बात नहीं की, वहां का तो नहीं पता, मायके में बोलते हैं लोग अब इतना नहीं रहा, पहले खेलते थे अब नहीं इतना खेलते हैं लोग, और मायके में भी नहीं जा पाती हूँ, त्यौहार पड़ते हैं पर नहीं जा पाती हूँ, ससुराल भी नहीं जा पाती हूँ। और इधर हो गया था मेरा रायता और तेल हो गया है गरम, इसमें डालूंगी खड़े थोड़े मसाले, खड़े मसाले मैंने खुले रख दिए थे इसमें, जो खड़े साबुत होते हैं सारा डाल दिया है। उसके बाद जो मैंने ग्रेवी करके रखा है प्याज टमाटर डाल दूँगी, प्याज हो जाएगा उसके बाद टमाटर डाल दूँगी, बनाऊंगी पनीर। और शाम को मेरा देखो भाई आएगा, बच्ची पता नहीं कुछ बोल रहे थे, हाँ जल्दी बना लो फिर होली खेलने के लिए बार बार बोल रहे थे, मैं बोली काम कर लूँ उसके बाद होली खेलूंगी, काम पड़ा है खाना ना बन जाए उसके बाद। वही जीरा उसे दे दिया था लड़की को, उसने पीस दिया है, थोड़ा हेल्प मैं बोली करा दो क्योंकि लेट भी हो रहे थे, टाइम हो गया था 10:30-11 बज गए थे, खाना बनाते बनाते 2 बज गया था, और नाश्ता तो नहीं बनाया था क्योंकि गुजिया जी बच्चों को दे दी थी जो बनाई थी, तो इस वजह से। और इसमें मैंने जो जीरा बुना हुआ पीसा है वो डाल दिया है, और धनिया बाद में डालूँगी। हस्बैंड भी घर में है, बच्चे भी हैं और बोल रहे हैं होली खेलो, लेकिन होली खाना ना बनाने के बाद, खाना खा के उसके बाद होली खेली थी, क्योंकि ना तो सुबह लिया था और इतने जल्दी सुबह सुबह होली खेल लो क्या फ़ायदा, काम भी करना ज़रूरी है, तो इस वजह से नहा लिया था, बाल भी धुले थे मैंने। और मेरे हस्बैंड आ गए अचानक, मैंने मुझे नहीं पता था, और लगा दिया पूरा चेहरा खाना बनाते बनाते, पूरा
कलर लगा दिया था। मैं बोली खाना तो बना लूँ उसके बाद लगाना। बेटी भी बोल रही थी, वो सब लिए खड़े थे और मैं बना रही थी खाना, मैंने नहीं देखा पीछे। बच्चों को तो पता था मुझे कि बच्चे बार बार बोल रहे हैं मम्मी लगवा लो लगवा लो, लेकिन मना कर दिया था। और वो पता नहीं कहाँ से आ गए और बस लगा दिया और हो गया था। इधर इसमें डाल दिया है टमाटर, अच्छे से कर लूँगी। मुझे बालों में तेल भी नहीं डाला था, तो मैंने दो बार धुला। फिर मेरा भाई आया था दोपहर में, नहा लिया, उसके बाद मेरा भाई आया शाम को, फिर उसने होली खेली, फिर दोबारा नहाया इसमें, दो बार नहाया, तीन बार नहाया मैंने, क्योंकि दोपहर में खेल ली थी, उसके बाद नहा लिया, सुबह नहाया, उसके बाद होली खेली हस्बैंड के साथ, तब नहाया, फिर मेरा भाई आया, फिर नहाया, क्योंकि होली उसने भी बहुत खेली, मुझे पता था आएगा तो लगा देगा थोड़ा बहुत, गुलाल है तो छूट जाएगा, लेकिन बहुत तेज़ लगाया था। फिर नहाना पड़ा, कोई नहीं गर्मी सी आ गई, कौन ठंड है, नहा लिया था। और हो गया था इधर मसाला, तो डाल दिया था मटर, और मटर डालने के बाद उसमें डाल दिया है पनीर और पानी डाल के अच्छे से चला दूँगी, नमक डाल के रख दूँगी। किचन हल्की आल में समेट देती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर भी सामान तो बिखरा पड़ा है, सामान रखा है, कहाँ रखूँ, इतनी बड़ी किचन है, काफ़ी बड़ी किचन है, फिर भी छोटी पड़ जाती है। पनीर हो गया है बन के रेडी, और बना लूँगी पूड़ियाँ। एक कढ़ाई मैंने धुल दी थी, चढ़ा दी है, और ये पूड़ियाँ सेक लूँगी, तल लूँगी, और उसके बाद जो चिप्स पापड़ थे वो भी तल लूँगी। इधर हस्बैंड को मैंने पराठे सेके थे क्योंकि वो पूड़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए पहले बना दिए थे, फिर उसके बाद पूड़ी तो हाल हो जाती है, पूड़ियों में टाइम नहीं लगता है। और इधर जो धनिया मिर्च है और पुदीना है, इसे मैं बारीक बारीक काटूंगी और इसमें डालूंगी। मैं थोड़ी धनिया की पत्ती डाल दी थी इसमें पनीर में, और जो पुदीना भी था उसमें मैंने डाल दिया है, क्योंकि अच्छा लगता है पुदीना, जरूर डालना एक बार रायते में, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। पूड़ी सिक गई थी, उसके बाद ये चिप्स पापड़ थे जो, ये तल लूँगी क्योंकि होली के दिन हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, होली पे ही बनते हैं, होली पे क्या बनाते तो हैं, लेकिन होली पे मैं सभी बनाते हैं। पूरा वीडियो देखना और बताना कैसा लगा। सब सामान सब कंप्लीट हो गया था पूरा, कचौड़ी नहीं बनाई थी, वो शाम के बनाऊंगी कचौड़ियाँ, और इधर मैं ऊपर हैं उन्हें दे दूंगी। तो ये छोटी प्लेट पड़ रही थी, तो इसमें मैंने बड़ी में कर दी है, तो बच्चों को दे दूंगी, दे के आ जाएंगे। और खाना बन के हो गया है रेडी, दही ए बूंदी का रायता, पनीर, गुजिया, नमक पारे, चिप्स पापड़, नमकीन, ये सब है, पूड़ियाँ हैं। आपको बन गया है, आप चाह रही हो खाना, बच्चों ने खा लिया है और हस्बैंड के लिए भी लगा दी है थाली, वो ले गए अपनी और वो पराठे खाएंगे इसलिए। और ये मेरी थाली है, ये वैसे कैमरा से दिखा दूँगी, और शाम को बनाऊँगी कचौड़ी, और मेरा भाई आएगा चाचा का लड़का, और ये सब बनाऊँगी फिर से। देखो किचन की हालत बिखरी पड़ी है, पूरी पूरी किचन बिखरी पड़ी है, ये देखो ये देखो। खाना पहले खाऊंगी, उसके बाद होली खेलूंगी, फिर किचन करूंगी सेट, बाद में होली सब बोल गए थे चलो खेलो, लेकिन खाना आना खा ले, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने तो टंग लगा दिया, अभी भी नहीं छूटा। तो चलिए दोस्तों, खाना खाने के बाद मिलूंगी आप लोगों से। और यहाँ पे होली खेल रही है खाना आना खाने के बाद, और होली लगी पड़ी हम लोग खेलने में, हमें दोनों लोग लगे थे, बच्चे भी थे, खुश हो रहे थे, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, म्यूजिक भी बज रहा था, लेकिन मैंने चाहती ये कॉपीराइट आ जाता है इसके लिए ठीक हो। और बहुत पूरा बेड रेड बहुत रंग बिखरा था, फिर मेरा मैंने नहा धो लिया था, फिर मेरा भाई दोनों आ गए, फिर देखो होली खिली, और
बहुत ज़्यादा खेले इन लोगों ने। मैंने सोचा गाल आल पे लगा देंगे उसके बाद नहीं नहाऊंगी, लेकिन होली इतनी तेज फिर खेलने लगी ली, फिर नहाना पड़ा, लेकिन अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। एक साल में त्यौहार आते हैं तो अच्छे से इंजॉय करो, और सभी अपने घर में कर रहे हैं और करें, अच्छा लगेगा सभी को। बच्चों को खासकर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ऊपर से स्टॉल ओढ़ ली थी क्योंकि ये लोग गुलाल उड़ा रहे थे, मैंने सोचा कि अब रात हो गई, शाम हो गई थी, 6:30 बजे थे जब होली लगा, खेलने का काफ़ी टाइम हो गया। मैं बोली सिर से अगर धुला तो फिर बीमार पड़ जाऊँगी, सब डांस करे तो म्यूजिक हटा दिए, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए भाई है वो, उसके साथ वो भी भाई है, उसका दोस्त है। और यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी, उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय।